अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अर्थ ऑफ नॉलेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी जो है लर्निंग कर रहे होंगे, अपने अपनी तैयारी में मसरूफ़ होंगे, चाहे वो PPSC, FPSC, NTSC किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज, माय नेम इज़ ईशान अली। तो हमने जो है कुछ PPSC के पास पेपर्स भी स्टार्ट किए हुए थे और बेसिक मैथ जो है वो भी हमारा साथ साथ चल रहा है, कुछ जनरल नॉलेज ओवर ऑर्गेनाइजेशन। अभी फ़िलहाल जो है मैंने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने चूज़ किए हैं और वो आपके साथ शेयर कर रहा था। तो PPSC कुछ पास पेपर जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। आज भी इसी तरह एक जो कि 2019 का पेपर है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। असिस्टेंट का BS 16 का पेपर है जो कि, और ये डिपार्टमेंट कौन सी है, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, और थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं, फर्स्ट पेज। ओके, ये असिस्टेंट का पेपर है 2016 का, 2019 का जो कि BS 16 स्केल है और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। विच गेम इज कॉल्ड द नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस? सेल्फ डिफेंस के लिए नोबल आर्ट जो होता है वो किस गेम में होता है? वो बॉक्सिंग में होता है। बॉक्सिंग को कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स? जो ड्यूटी होती है, मतलब एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो टैक्स अप्लाई होता है वो ड्यूटी कहलाती है। फिल इन द ब्लैंक, आई एम स्केयर्ड ऑफ हाइट्स। आई एम स्केयर्ड ऑफ हाइट। हु वॉज द लीडर ऑफ महासभा? महासभा का जो लीडर है वो मदन मलाविया था। द जुपिटर इज अ बॉल ऑफ गैसेज। जुपिटर जो है वो बॉल ऑफ गैसेज है। गोटा किनार इज सिचुएटेड इन? गोटा किनार जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? स्वीडन में। नेक्स्ट है, मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ई। मस्कुलर नर्वस डिसऑर्डर जो होता है वो किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन ई की वजह से। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ क्यास? क्यास का मतलब क्या है? जजिंग। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी जो है वो नर्व सेल होता है। अ बिट कैन बी वन और जीरो। बिट जो होता है, एक बिट वन भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। फोक प्रो जो होती है वो क्या है? ए लैंग्वेज। फोक प्रो इज अ लैंग्वेज। फिल इन द ब्लैंक, ही इज नोटोरियस फॉर हिज क्राइम। ही इज नोटोरियस फॉर हिज क्राइम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। हाउ मच डाटा कैन बी अ सिंगल लेयर सिंगल साइड डीवीडी कैन स्टोर? 4.7 GB जो है वो सिंगल साइड जो है वो स्टोर कर सकती है। वट शुड बी गिवन टू एन एथलेट फॉर इंस्टेंट एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो दिए जाते हैं किसको? एथलेट को, फॉर इंस्टेंट एनर्जी के लिए। एमनेसिया इज रिलेटेड टू अ लॉज ऑफ मेमोरी। एमनेसिया जो है वो लॉज ऑफ मेमोरी की एक टर्म है। कंप्लीट द सीरीज, ये एक सीरीज दी हुई है, कंप्लीट द सीरीज। तो ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज का टॉपिक है। मैंने प्लेलिस्ट जो है वो आपके साथ ये टॉपिक कवर किया हुआ है, तो वो कंप्लीट देखें, आपको ये कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सीरीज दी हुई है 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5। यहाँ पर दो सीरीज हैं, 2, 3, 4, 5 और 4, 9, 16, नेक्स्ट इस तरह सोन। तो फर्स्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दुनी 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो 3 3 9, ये 9 आ गया। फिर 4 चौके 16, 16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 6 का 36 आ रहा है। तो यहाँ पर जो 25 5 5 25, फिर 6 आ रहा है। फिर 6 का जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 36 है, दो सीरीज के लिहाज से। ठीक है, तो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 17। तो इसमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है, विच गेम डू यू एसोसिएट अ पक?
पक जो है वो किस गेम के साथ एसोसिएट करेंगे? आइस हॉकी के साथ। क्लैक्यू मीन, क्लैक्यू जो होता है वो अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है। नेक्स्ट है अशाबे कहा बिलोंग टू, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है? सीरिया से। इन द कंट्री विच पार्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड? सीपीयू जो होता है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्रोसेक मीन्स डल। नेक्स्ट है एंटी कैंसर विटामिन जो है वो विटामिन ए होती है। पेट्रोनस टॉवर जो है वो कोलालंपुर में लोकेटेड है। पेट्रोनस टॉवर जो है वो कहाँ पर वाक्य है? कोलालंपुर। फिल इन द ब्लैंक, द रेलवे ट्रैक रन अक्रॉस द रिवर। कंस्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड कन्वेंशन रिडन? ब्रिटेन का जो कंस्टिट्यूशन है वो कहलाता है कन्वेंशन रिडन। दैट लिटल जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट इज गिवन टू क्यूबेक। द लिटल जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट जो है वो किसको दिया गया है? क्यूबेक को। इन विच कंट्री पाकिस्तान वून द क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992? ऑस्ट्रेलिया में जो है मेलबोर्न में पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 1992 में जीता था। लेबर पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ यूके। इफ 15 बॉयज कॉस्ट ₹234, व्हाट डू यू, मतलब ये व्हाट डू 35 टॉयज कॉस्ट? वो कह रहा है कि 15 टॉयज की कॉस्ट जो है वो 234 है। व्हाट डू 35 टॉयज, आप क्या करेंगे? 234 को डिवाइड करेंगे 15 पे तो आपके पास एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। उसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 35 से तो आपके पास 546 आएगा। यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पर 10 20 डबल हो गया, फिर 20 का डबल हो गया 40, तो 40 का डबल हो गया 80, फिर 80 का डबल हो जाएगा 160। नेक्स्ट है इवेल्युएट 18, यहाँ पर आएगा कैसे? सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस माइनस करना है। बोर्ड मैथ रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस। नेक्स्ट है ही हैज शोन गुड परफॉर्मेंस, आपने पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो है गुड परफॉर्मेंस हैड बीन शोन बाय हिम, राइट आंसर आएगा। अल अजहर मॉस्क्यू जो है जो कि इजिप्ट में है, ये भी एमसीक्यू पूछा हुआ था कि अल मॉस्क्यू, अल अजहर मॉस्क्यू जो है वो कहाँ पर है? इजिप्ट में। और ये कब कंप्लीट हुई? 972 AD में, 972 AD। कॉमन मैन गैलरी इज इनॉग्रेटेड ऑन 4 अक्टूबर 2019 बाय असद कैसर। कॉमन मैन गैलरी जो है वो स्टार्ट मतलब उन्होंने उनका इफ्तिताह किया था ऑन 4 अक्टूबर 2019 बाय असद कैसर। टू क्राई वुल्फ मीन टू गिव फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? अमेरिका का जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट मतलब मुख्तसर सा एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर बात करें लॉन्गेस्ट की तो वो इंडिया का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि किस कंट्री का जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो न्यूजीलैंड का है। ठीक है, ये तीन एमसीक्यूज यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा आपको दो बता दिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनॉग्रेटेड लंगर स्कीम एहसास प्रोग्राम जो है उन्होंने इस्लामाबाद में इनॉग्रेट किया था, जो कि अक्टूबर 7 में उसकी डेट थी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू न्यूलिथिक एज के साथ जो है वो बिलोंग करता है। हु रोट द बुक नोन बाय द नेम ऑफ एन अपोलोजी फॉर मोहम्मद एंड मोहम्मदान? जॉन डेवन पोर्ट ने जो है इसे लिखा है, जिसका नाम है एन अपोलोजी फॉर मोहम्मद एंड मोहम्मदान। इन द सब कॉन्टिनेंट द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 1881। सब कॉन्टिनेंट में जो है फर्स्ट सेंसस मर्दमशुमारी की गई थी 1881 में, 1881 में। इवेल्युएट 0.213 डिवाइडेड बाय 0.00213, तो आपके पास 100 आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट नंबर कंप्लीट द सीरीज? ये भी एक सीरीज का है, दो फिर तीन का डिफरेंस आ रहा है, 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 फिर तीन का डिफरेंस जो है उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 17 आ जाएगा। लेथर्जी का मतलब क्या होता है? सुस्ती, तो यहाँ पर टायर्डनेस थी, टायर्डनेस आएगा। विच स्पीसीज डज द पेंगुइन बिलोंग टू? बर्ड। पेंगुइन जो है वो किस स्पीसीज से बिलोंग करता है? बर्ड से। सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो है किसने लिखी है? जेन ऑस्टन ने। इन विच कैटेगरी इब्लीस लाइज? जीन ने से जो है वो कैटेगरी में लाइक करता है। इंजाइम्स आर मेड ऑफ
प्रोटीन, इंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इसको थोड़ा सा जूम कर लूं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। अच्छा, करंट सीएम ऑफ पंजाब उस्मान बुज़दार बिलोंग टू विच सिटी ऑफ डेरा गाजी खान? तौंसा शरीफ से जो है वो बिलोंग करते हैं, डेरा गाजी खान से। नेक्स्ट है, नगोया इज द सीपोर्ट ऑफ जापान। लोटस लेक जो है वो कहाँ पर है? इस्लामाबाद में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल इतकाफ? इतकाफ का मतलब क्या होता है? सेलेक्यूशन, सेक्लूशन, चेंज द पैसिव इनटू एक्टिव, टू मतलब पैसिव में आपने कन्वर्ट करना है। शी विल इनवाइट मी, आई विल बी इनवाइटेड बाय हर। सैयदुल अयाम इज नाउन एज, फ्राइडे को कहा जाता है सैयदुल अयाम। फिल इन द ब्लैंक, एवरीबॉडी ब्लेम्ड हिम फॉर द एक्सीडेंट, एवरीबॉडी ब्लेम्ड हिम फॉर द एक्सीडेंट। नेक्स्ट है, जो अ सिंगल वर्कशीट जो होती है किसकी, एक्सेल की, उसमें 256 कॉलम्स होते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 16 बिट्स जो होता है, 16 बिट्स का अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो वो वर्ड बनता है या वर्ड कहलाता है। विच कंट्री हैज द मोर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड? अमेरिका, यूएसए, यहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पाए जाते हैं। विंस जो है किसका कैपिटल है? बिलारस का। आफ्टर ईरान विच इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कारपेट्स? पाकिस्तान जो है सेकंड नंबर पर है आफ्टर ईरान के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है कारपेट्स की। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज गिवन बाय रोजियो? दी सूरी डायनेस्टी ऑफ इंडिया लास्टेड फॉर 15 ईयर्स। उनकी जो डायनेस्टी है कितनी देर रही थी? 15 साल। नेक्स्ट है, मालाबार वाज द एंशियंट नेम ऑफ मद्रास? यहाँ पर ये गलत एमसीक्यू उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था, मद्रास का जो है मालाबार पुराना नेम है। हु वाज द मोहम्मद अली बोगरा? मोहम्मद अली बोगरा जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ स्पीकर ऑफ द प्रोफिट? स्पीकर ऑफ द प्रोफिट जो है वो किसको टाइटल दिया गया? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को। फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ मैन ऑन द अर्थ इज यूज ऑफ फायर? फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो है वो मैन की यूज ऑफ फायर है। बायोगैस इज द नेम ऑफ नेचुरल गैस? बायोगैस जो है वो किसका नेम है? नेचुरल गैस का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंटन? गुड मैनर्स को कहा जाता है। द प्लैनेट विच रिवॉल्व स्लोली अराउंड द सन इज नेपच्यून। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन इज नाउन एज प्लेजरिज्म। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 45। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं, 5 एंड 45। तो 5:2, फिर आपने यहाँ पर भी 5:x, फिर आपने x:45 करना है। तो आपने क्या करना है, 5/x = x/45। तो आपने इनको सोल्व कर लेना, आपके पास 15 आ जाएगा। एंटोनियम ऑफ इनर माउस जो है वो लार्ज है, तो एनर्मोस जो है उसका मतलब क्या होता है? लार्ज। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? टिनी। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स a and b is 35, 3 and 5। इफ टू इज एडेड टू द बोथ द नंबर द रेशियो बिकम 2:3, रेशियो बन जाती है। फाइंड बी, तो यहाँ पर 10 आंसर आएगा। द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF जो है क्रिस्टालिना जो जॉर्जिया बिलोंग टू विच कंट्री? बुल्गारिया से जो है वो बिलोंग करते हैं। साइनोनियम ऑफ शोव, इसका मतलब क्या है? मतलब साइनोनियम मतलब सेम वर्ड जो है इसका कौन सा होगा? स्ट्रोंग पुश को कहा जाता है। नेवर नेवर लैंड मीन्स एन आइडियल प्लेस। मिल्क कंटेन वाटर, मतलब जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसमें कितना वाटर होता है? 80% उसमें वाटर इंक्लूड होता है। इडियम, अ स्लैप ऑन द रिस्ट मीन्स वार्निंग और स्मॉल पनिशमेंट। अ बैग कंटेन्स 50 पैसे, 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन इन द रेशियो 2:5:8। इफ द टोटल अमाउंट इज ₹352, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग। तो यहां पर आपके पास जो है राइट आंसर इसका आएगा आपके पास 240। द यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल जो है वो कहाँ पर है?
ब्रसल्स में दी डी एड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, डी से डेवलपिंग एड कंट्रीज। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया जो है वो रुपया है। हेयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो आपके सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। आपको ये दोनों याद होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC जो है वो, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? 3। देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ सार के 8 मेंबर्स हैं। विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ UNO? वेटिकन सिटी जो है वो UNO का मेंबर नहीं है। विच इज द कैपिटल ऑफ अंगोला? लुआंडा जो है वो कैपिटल है किसका? अंगोला का। यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशन बनाई गई। नेक्स्ट, द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन सा है? लाहौर। एम्बेलमेटिक मीन गोजियस, गोजियस जो है उसका मतलब है। द वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन दुबई, दुबई में जो है फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल बनाया गया। शेखो शाब की तरकीब का क्या मफहूम है? बूढ़े या जवान? बूढ़े जवान, जवान। होप अगेंस्ट होप के क्या मानी है? इंतहाई कम उम्मीदी को कहा जाता है, होप अगेंस्ट होप। नेक्स्ट है, फुटपाथ की घास किसके ड्रामों का मजमुआ है? बानो कुदसिया का। आर का मुतरादिफ क्या है? शर्म। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो, ये मशहूर शेर किस शायर का है? कलीम अहमद आजिज का। सैयदुल अमरा किसका लकब है? हसरत मुहानी का। जबान लाल होना का क्या मतलब है? गुम होना। इनकार की शायरा जो है वो परवीन शाकिर हैं। चुपाल किसकी तख्लीक है? अहमद नदीम कासमी की। मिर्ज़ा गालिब की जोजा का नाम बताएं, मिर्ज़ा गालिब की जो बीवी हैं उनका नाम अमराव बेगम था। तो ये आज का हमारा पास्ट पेपर था, PPSC का पास्ट पेपर, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। 2019 का पेपर है और हर पेपर जो है उसके अच्छी तरह रीड करें, उसे समझें और उसकी करेक्शन लाजमी करें। हर MCQ को खुद चेक किया करें, सीनियर से पूछा करें, नेट से सर्च करें और बेहतर यही है कि मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि हर किसी की जो है हेल्प हो सके। और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो जो है आपको मिल सके। तो मैं जो है पेपर्स आपके साथ करेक्शन के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद रीड किए होते हैं, करेक्शन की होती है, एडिशन भी किया होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।